दोस्तों पृथ्वी को जीवनदायी कहा जाता है। पृथ्वी पे जीवन के लिए जरूरी सभी संसाधन मौजूद हैं। लेकिन इसी पृथ्वी की एक कड़वी सच्चाई ये भी है, ये सिर्फ जीवन देना ही नहीं बल्कि जीवन लेना भी जानती है। दुनिया में आए दिन कोई ना कोई प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और इन आपदाओं में हजारों लोगों की जान चली जाती है। इंसान भले ही कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, प्राकृतिक आपदाओं के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। भूकंप से लेकर सुनामी तक ऐसी दर्जनों प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में देखते हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं। नंबर 10, वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट को पहली बार देखने पे शायद ये आपको एक खूबसूरत नजारा लगे, लेकिन आपको बता दें कि ये टॉर्नेडो तूफान की तरह ही खतरनाक है। टॉर्नेडो और वाटर स्पाउट में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वाटर स्पाउट सिर्फ पानी के ऊपर ही होने वाली घटना है, यह पानी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये खतरनाक नहीं है। पानी में रहते हुए ही ये कई शिप और इंसानों को अपनी चपेट में ले चुका है। वाटर स्पाउट अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ये एयरक्राफ्ट्स के लिए भी खतरा बन जाता है। वाटर स्पाउट अपने साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग स्ट्राइक भी लेके आता है। तेज हवा के कारण समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। वाटर स्पाउट के आसपास आने वाले सभी जीव वाटर स्पाउट में फंसकर तेज हवा की वजह से ऊपर उठ जाते हैं और फिर इसमें फंसे रहने के कारण इनकी मौत हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मछली समेत दूसरे जीव वाटर स्पाउट की चपेट में आकर बादल में पहुंच जाते हैं और फिर बादल के साथ ट्रैवल करते हुए कहीं दूर जाके गिरते हैं। नंबर 9, बीकन ऑफ मारसेबो। बारिश के दौरान बिजली चमकना आम बात है, लेकिन जब यह लगातार कई घंटों तक होता रहे तो फिर हैरान होना लाजमी है। वेनेजुएला के लेक मारसेबो के आसपास साल के लगभग 300 दिन बिजली चमकने की घटना होती रहती है, और ये कोई घंटे दो घंटे के लिए नहीं बल्कि लगभग 10 घंटे तक लगातार जारी रहती है। हर मिनट लगभग 28 बार बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेजी से चमकती है कि रात के समय में भी पूरा एरिया रोशन हो जाता है। इस घटना की वजह से लेक मारसेबो लेक ऑफ फायर के नाम से मशहूर हो चुका है। इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से हर साल लगभग 5 लोगों की जान चली जाती है। थैंकफुली स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है, जिस वजह से मरने वालों की संख्या काफी कम है। नंबर 8, सबमरीन वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में तो आपने बहुत सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सबमरीन वोल्केनो के बारे में सुना है? जी हाँ, समुद्र के अंदर भी वोल्केनो मौजूद हैं और इनकी संख्या लाखों में है। सबमरीन वोल्केनो भी अर्थ सरफेस पे मौजूद वोल्केनो जितना ही खतरनाक होता है। सबमरीन वोल्केनो समुद्र की गहराई में टेक्टोनिक प्लेट फॉर्मेशन वाली जगह के आसपास मौजूद होता है। वोल्केनो से निकलने वाले कुल मैग्मा में लगभग 75% मैग्मा सबमरीन वोल्केनो से ही प्राप्त होता है। सबमरीन वोल्केनो से निकलने वाले मैग्मा से समुद्री इकोसिस्टम को हीट और केमिकल सप्लाई प्राप्त होता है। एक अनुमान के अनुसार प्रति 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में 4000 सबमरीन वोल्केनो मौजूद हैं। सबमरीन वोल्केनो की मौजूदगी की वजह से उस एरिया के आसपास के पानी की डेंसिटी काफी कम हो जाती है। ऐसे में अगर वोल्केनो की लोकेशन की जानकारी न हो तो शिप पानी में डूब सकता है। नंबर 7, आइस सुनामी। आइस सुनामी एक रेयर नेचुरल फिनोमेना है। ठंडे इलाकों में सर्दी के मौसम में अक्सर समुद्र और झील का पानी जमकर बर्फ की मोटी चादर में बदल जाता है। जमा हुआ बर्फ जब तेज हवा के कारण टूटकर किनारे पे जमा होने लगता है, उसे ही आइस सुनामी कहते हैं। सर्दी खत्म होने के बाद आइस सुनामी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। सर्दी के बाद बर्फ की चट्टानें टूटने लगती हैं और फिर ओशन करंट्स और तेज हवा के कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े तट की ओर आने लगते हैं। अगर हवा तेज हो तो समुद्र के आसपास बनी बिल्डिंग्स भी आइस सुनामी की चपेट में आ जाती हैं। आइस सुनामी की वजह से समुद्र तट पे 30 से 40 फीट ऊंचाई तक बर्फ जमा हो जाती है। आसपास बने घर, रोड और बड़े बड़े पेड़ भी टूट जाते हैं। आइस सुनामी की वजह से इंसानों की जान जाने का खतरा बहुत कम होता है, इसके बावजूद इसे खतरनाक माना गया है क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है और अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो ये जानलेवा भी बन सकता है। नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इंसानों द्वारा खुद खड़ा किया गया संकट है। अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए हमने फ्यूचर को खतरे में डाल दिया है और आज ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। जिस सनलाइट और सोलर रेडिएशन को पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस स्पेस में चले जाना चाहिए था, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे एयर पोल्यूशन जमा होने के कारण पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही फंसा रह जाता है, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने की स्पीड भी साल दर साल लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हम अभी से ही भुगत रहे हैं। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी अत्यधिक बढ़ने से लोगों की जाने जा रही है। अगर ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल नहीं किया गया तो लाखों जीव जंतु और पौधे विलुप्त हो जाएंगे, कई नई जानलेवा बीमारियां भी आएंगी। नंबर 5, एवलांचेस। एवलांचेस यानी हिमस्खलन।
इसकी चपेट में आने वाले इंसान का बचना काफी मुश्किल हो जाता है। हिमस्खलन की घटना तब होती है जब बर्फ की चट्टान के नीचे का लेयर टूट जाता है। बर्फ के नीचे का स्लैब टूटने के बाद ऊपर का हिस्सा काफी तेजी से नीचे की ओर स्लिप करने लगता है। नीचे की ओर आते हुए इसकी स्पीड और एरिया बढ़ती जाती है। इसकी चपेट में आने के बाद बचकर निकलना काफी मुश्किल है। हिमस्खलन का कारण सोलर रेडिएशन के कारण बर्फ का पिघलना, ज्यादा बारिश, अर्थक्वेक, रॉकफॉल, आइसफॉल इत्यादि हैं। हिमस्खलन में बर्फ का ज्यादातर हिस्सा पाउडर में बदल जाता है, जिसे पाउडर स्लो एवलांचेस कहते हैं। इसकी स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। हिमस्खलन की वजह से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 150 लोगों की जान चली जाती है। नंबर 4, वाइल्ड फायर। दूसरे सभी नेचुरल डिजास्टर्स में वाइल्ड फायर सबसे ज्यादा खतरनाक है। जंगल में लगी आग एक साथ कई परेशानियां लेकर आती है। जंगल में आग लगती कैसे है? ज्यादातर तो इसके पीछे इंसानों का ही हाथ होता है, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक कारणों से भी आग लग जाती है। आग के कारण इंसानों के साथ ही सैकड़ों जानवर और पक्षियों को बेघर होना पड़ता है। इंसानों को तो बचा भी लिया जाता है, लेकिन न जाने कितने जानवरों और पक्षियों की मौत इस आग की वजह से हो जाती है। आग के कारण जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को तो परेशानियां होती हैं, साथ ही एटमॉस्फेयर पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। वाइल्ड फायर के कारण पर्टिकुलर मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और नॉन मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में भी वाइल्ड फायर रेस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 3, लाइटनिंग स्ट्राइक। आसमान में चमकती बिजली तब तक ही सुरक्षित है जब तक वह आसमान में रहे। अगर बिजली ग्राउंड की ओर आती है तो फिर ये जानलेवा हो जाता है। हवा और जलकणों के बीच घर्षण के कारण पैदा होने वाली ये बिजली लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हुए ग्राउंड की ओर आती है। इस बिजली का पार 1 बिलियन वोल्ट्स होता है। यदि कोई इंसान इसकी चपेट में आए तो उसका बचना काफी मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर मामलों में बिजली की चपेट में आने के बाद ऑन द स्पॉट ही उस शख्स की मौत हो जाती है। अगर किस्मत अच्छी रही और जान बच भी गई तो कोमा में जाने के चांसेस रहते हैं और फिर परमानेंटली पैरालिसिस भी हो सकता है। लाइटनिंग स्ट्राइक की बड़ी घटनाओं की बात करें तो इसी साल जून महीने में अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है। नंबर 2, टोर्नेडो। टोर्नेडो सबसे ज्यादा वायलेंट नेचुरल डिजास्टर है। दरअसल टोर्नेडो हवा का एक कॉलम है जो ग्राउंड से बादल तक कनेक्टेड रहता है और फिर यह कॉलम काफी तेजी से रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। टोर्नेडो की एवरेज स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे और डायमीटर लगभग 250 फीट होता है, लेकिन कुछ मोस्ट एक्सट्रीम टोर्नेडोज की स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटे और डायमीटर 3 किलोमीटर तक हो सकता है। लट्टू की तरह घूमते हुए ये 100 किलोमीटर तक तबाही फैला सकता है। ज्यादातर टोर्नेडो का कहर नॉर्थ अमेरिका में ही देखा जाता है। अमेरिका में टोर्नेडो की वजह से हर साल लगभग 60 लोगों की जान चली जाती है, वहीं करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। नंबर 1, अर्थक्वेक। दुनिया में घटने वाली सभी प्राकृतिक घटनाओं में अर्थक्वेक सबसे ज्यादा विनाशकारी है। विनाशकारी होने की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि इसके आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और आने के बाद बस चंद मिनट में ही अपना कहर बरपा के चला जाता है। पृथ्वी का अंडरग्राउंड रॉक टूटने के कारण अचानक एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी की वजह से सेस्मिक वेव्स जनरेट होते हैं। इस वेव के कारण पृथ्वी कांप उठती है। अर्थक्वेक कितना विनाशकारी हो सकता है और इससे कितने लोगों की जान जा सकती है, इस बात का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अर्थक्वेक के बाद सुनामी और लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो सकती हैं। आपने इनमें से कितनी घटनाओं को देखा है या महसूस किया है कमेंट में जरूर बताएं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।